नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो साथियों, पिछला वीडियो आपने माताजी का देखा था, इस वीडियो के अंदर भी आपको माताजी का मंदिर ही देखने को मिलेगा। लेकिन साथियों, आपको सबसे पहले मैं ये मरुद्रा भूमि का आपको जो धोरा है वो दिखा रहा हूँ, और ये सबसे ऊंचा धोरा है। इस स्थान को अगर आप देखेंगे और बाकी धोरों को देखेंगे तो वो इससे नीचे नज़र आपको आएंगे। और साथियों बता दें कि जो ये मिट्टी है ये रेतीली होती है, ये उड़ उड़ के और नीचे की साइड में जाती रहती है। मैं पहले भी एक बार आया था तो उस समय ये यहाँ तक समथिंग था ये दौरा, तो धीरे धीरे ये जो दौरा है वो नीचा हो रहा है। और साथियों, जिस स्थान पे मैं खड़ा हुआ हूँ वह जोगनिया का बाला है। जो मंदिर मेरे सामने है, काफ़ी सुंदर मंदिर यहाँ पर बना हुआ है और भव्य मंदिर बना हुआ है, संतों की भूमि है। तो दोस्तों, वो आपको दिखाएंगे, जोगनिया का बाला दिखाएंगे, आपको माता जी के दर्शन करवाएंगे, धुआं दिखाएंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस चैनल पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिलती रहती हैं। तो साथियों, जो मंदिर है वो उस साइड में बना हुआ है और वहाँ पर अभी हम चलेंगे। और यहाँ पर चारों तरफ आप देखेंगे कि जो दीवारें वगैरह खींची गई हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे पेड़ पौधे भी यहाँ पर लगाए गए हैं। और ये साथियों धोरे के पास में पता नहीं क्यों ये मेड़ यहाँ पे बांधी गई है। शायद हो सकता है ये पानी के लिए बांधी गई है, क्योंकि पानी यहाँ से आता है ना, तो ये जो मिट्टी है ना ये नीचे बह जाती है पानी के साथ में। तो चलिए चलते हैं। तो साथियों, फिलहाल हम मंदिर परिसर में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर चारों तरफ आपको बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत फूल भी देखने को मिलेंगे और पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। सामने मंदिर है, तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं और काफी सुंदर व्यू भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर आप काल की माता जी के दर्शन कीजिए, बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और दर्शन भी करिए, काफी सुंदर व्यू है। तो साथियों, अभी हमने आपको जोगनिया का बाला दिखाया, माता जी के दर्शन करवाए। हमारे साथ में महाराज जी हैं जो कि यहाँ के इतिहास के बारे में बताएंगे। ईसा भगत याड़ा बाबा जी छोटू नाथ जी जब आए, जब कोई मंदिर नहीं था, ठीक है, कांकड़ा गांव में आए हैं बाबा जी। कांकड़ा गांव में नवरात्रे करे तो एक सेठ जी के साथ में फिर यहाँ आए हैं जोगनिया का बाड़ा। तो माँ हम आई उन हा हा करके डराव भी थी, तो लेकिन योगी थे वो बोले माई हम डर देते रहे तो सह नहीं, बाकी जो भगत जगत आओ तो वो डर जाओ। तो फिर बाबा जी बोले हम तो जाओ माता फिर यहाँ से। तो माई फिर ने बोली कि भाई मतलब नहीं योगी, तुम अच्छे योगी हो, क्योंकि माई सेंध रूप में थी यहाँ पर, विकराल रूप में थी। जैसे कोई भगत आओ था तो उसने मतलब ठीक करने की बजाय टेढ़ा मेढा कर दे, तो इसी प्रक्रिया थी। फिर बाबा छोटू नाथ जी ने बचना में बांध दी है माई, वचन लिए और वचन दिए, फिर माई की बाबा छोटू नाथ जी ने स्थापना कराई है। अच्छा। और उसके बाद में माई अपना आलोप होगी मूर्ति के अंदर, तो बाबा जी ने बोला उसको माता को कि भाई तू ठीक कर भगता ने, ये किसी का कोई भी दुख तकलीफ बीमारी हो तो हम साथ फिर दुआते हैं माई की जोगनिया का बाड़ा में चांदनी पूनम का दिन, ठीक है, तो माई कृपा करती है, तैयार कर दे वह है। अच्छा। तो ये इतिहास है। तो माई के मेला कब भरता है? मेला पूनम का भरता है। अच्छा। हर चांदनी पूनम का मेला भरा है। अच्छा। हाँ, किसी का कोई भी परेशानी हो तो चांदनी पूनम की हम फेरी दुआते हैं साथ। और जैसे बाहर से कोई श्रद्धालु आए तो उसके लिए रहने वगैरह? हाँ, रहने की व्यवस्था भगत है बिल्कुल है, नाजी का घर में तो सभी के लिए जगह होती है, और ये तो महामाई का दरबार है जोगनी माई का। तो साथियों, कुछ इस प्रकार का माता जी का इतिहास था, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, साक्षात आदि शक्ति स्वयं यही है, 64 जोगनी 52 भैरव, ठीक है, वो गए कहीं नहीं है लेकिन मूर्ति में स्थापित हैं अभी भी। अच्छा। हाँ, कोई भी मनोकामना हो, कोई कष्ट हो किसी का, तो माई साथ बिन्या में पूरा करती है, और चांदनी पूनम की फेरी देने से। अच्छा। हाँ, महामाई कृपा करती है। तो ये जो धूना है ये कौन से महाराज का? ये बाबा छोटू नाथ जिया ने बनाया था, बाबा गोरक्षनाथ जिया का नागा बाबा का धूना होता है। अच्छा। हाँ, बाबा जिया का धूना है ये।
तो साथियों, जैसा कि आपने देखा, जोगणिया माता का बाड़ा और इसी प्रकार की महिमा है, और जो मंदिर थे हमने आपको दिखाए, दर्शन आपको करवाए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर आगे से आगे करिएगा, जिससे कि यहाँ पर बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो आए, माता के दर्शन करें और छोटू नाथ जी महाराज के दर्शन करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।